वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहा है। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल हाथ लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लो। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल, लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर, महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगत जननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें, उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाए। श्री शिवाय।